Assalamualaikum, welcome to Discover Exclusive and this is your host Amber Qureshi. 1965 की जंग हो या ज़र्ब अज़ब, लाइन ऑफ कंट्रोल हो या वॉर ऑन टेरर, अफवाज पाकिस्तान हमेशा से ही दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार साबित हुई और उन्होंने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। हमारी फ़ौज ने इस वतन के दिफा के लिए कभी भी अपनी जानों का नजराना पेश करने से गुरेज नहीं किया और आज के शो में भी हम एक ऐसे ही वालदैन से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिनका बेटा इस वतन के दिफा के लिए शहीद हुआ है। आइए आपको लेकर चलते हैं। मैं इस वक्त शहीद कैप्टन हाफिज काशान अली नवीद के घर पर मौजूद हूं और उनके वालदैन मेरे साथ मौजूद हैं। ये शहीद लाइन ऑफ कंट्रोल पर भिंबर के मुकाम पर 5 मई 2020 को ज़ख्मी हुए और फिर 8 अगस्त 2020 को इन्होंने जामे शहादत नोश किया। ये ज़र्ब अज़ब के गाजी भी रहे। इनके वालदैन से जानते हैं कि इस इतनी बड़ी सआदत हासिल करने के बाद वो किस तरह महसूस कर रहे हैं और ज़ाहिर है बहुत तकलीफ़ दे है, लेकिन उनके लिए बहुत फ़ख्र की बात भी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि एक गाजी भी थे आपके बेटे और फिर शहीद शहादत जैसे मर्तबे पर भी फायज हुए, सो कितने बड़े एजाज़ की बात आप समझती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जितना भी शुक्र कर लें उतना ही कम है। और जब कुरान पाक में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शहादत को जो है मांगा अपने लिए, ये तो अल्लाह की रज़ा थी। तो मेरे बेटे के लिए अल्लाह ने बेटे को शहादत के लिए बेटे को मुंतखब किया, ये बड़ी फ़ख्र की भी और बहुत ही शुक्र का मकाम है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, डेफिनेटली बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, लेकिन ज़ाहिर है आप उनकी वालदा हैं और एक माओ का एक अपने बेटों के साथ वैसे ही ख़ास तौर पर एक जज्बाती ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा होता है और चाहे जितना मर्जी फ़ख्र का मुकाम हो, लेकिन एक जुदाई उनसे जो आपको मिली, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? हाँ, जुदाई के लम्हे तो बहुत करबनाक है, मगर वही मैं कहूँगी कि शुक्र का मुकाम ज़्यादा बुलंद है। हाँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस अपनी रहमत की आगोश में वहाँ पर बड़ी रहमतों में रखे, और माँ की आगोश बहुत छोटी है। हाँ, अल्लाह तो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। बिल्कुल ऐसे ही, तो वो रब रहमान उसका वहाँ बहुत ख्याल रखेगा। बस मेरी आंखों से हो जल है, फिर भी शुक्र है अल्लाह ताला का। जब याद आती है तो फिर सारे बन टूट जाते हैं। ऐसे ही फिर कुछ नहीं बात, मगर क्या है कि बस थोड़ा ही वक्त है, इंशाल्लाह फिर इकट्ठे होंगे, हमेशा की ज़िंदगी में इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही, हमारा तो ईमान भी ये है कि दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी, बेशक, और डेफिनेटली बहुत अच्छे मुकाम पर हैं वो। लेकिन जब ज़ाहिर है आपके लिए बताना मुश्किल है, मेरे लिए सवाल करना मुश्किल है, लेकिन जब ज़ख्मी हुए तो आपको जब इत्तला मिली तो वो एक किस तरह का उनका जज्बा था और आपकी एक कैसी वो फीलिंग? जब वो ज़ख्मी हुए थे, ज़ख्मी हालत में वही उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन हमें पता नहीं था, वो तो अचानक फिर बाद में घर आया है और अकेला आया है, और फिर हमें पता चला कि वो ज़ख्मी हुआ है और इतने दिन हॉस्पिटल में भी रहा है। अच्छा अच्छा, और आपके साथ उन्होंने बात की थी ज़ख्मी होने के बाद और फिर आप उन्हें लेकर आए थे? नहीं नहीं, नहीं हम लेके नहीं आए। अच्छा, वो खुद ही आए? खुद ही आए। अच्छा, दोस्त के साथ। अब मैं दोस्त ने भी यहीं से कहीं से लाहौर में ड्रॉप किया है, और बहुत बहादुर था वो, बहुत बहादुर था। उसके कमांडर कहते थे कि ये बहुत बहादुर बच्चा था, तो वो कहते थे कि हम इसको कहते थे कि आप ये
खंदकों से बाहर निकल कर ना लड़े, मगर वो कमांडर बताते हैं कि वो बाहर निकल के लड़ता था और मैं उसे कभी कभी डांटता था। अच्छा। वो कहता है मुझे काबू नहीं रहता जब इस तरह का वक्त आता है। तो आज भी उन्होंने, उसके यूनिट ने दीवार के ऊपर उसका नाम कंधा किया। अच्छा। और उसकी डेट ऑफ शहादत लिखी है वहाँ पर, और परमानेंट दीवार को इसके साथ मंसूब कर दिया। दीवार बनाई इसने थी। आपका बेटा ही इस कौम का फख्र है कि जिसने शहादत का रुतबा पाया है। अच्छा, गाजी भी लौटे, आपने मुझे बताया गाजी भी लौटे, तो दो महाजों का गाजी। अच्छा, तो उनके हवाले से, उस बात के हवाले से कुछ बताइएगा। जनूबी वजीरिस्तान से जब आया है ना, तो रंग थोड़ा थोड़ा सा ना जैसे डल हो जाता है। हाँ। ऐसे, और चमक उसकी दाढ़ी में कुदरती तौर पे ना थोड़ी थोड़ी सी ये थी शेप, बड़ी इतनी खूबसूरती लगती थी उसकी, मुझे खौफ आया उसकी उस चमक से। अच्छा। मैंने पढ़ा हुआ है कि चिक्की जो चमक है ना, अल्लाह कुदरती तौर पे पैदा फरमाते हैं। अपने नेक बंदों के बालों में चमक अता फरमा देते हैं, तो उसकी दाढ़ी में सुनहरी सुनहरी इतने खूबसूरत लग रहे थे। तो मुझे एक दिन बेड पे बैठे हुए कहता है, जब जख्मी होके आया तो कहता है, माँ आप कितनी खुशकिस्मत हो कि मैं दो महाजों का गाजी हूँ और आपकी बहू कोरोना की गाजी है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो आगे कुछ कहना चाह रहा भी रहा हो तो मैं ज़रा अवॉइड करती थी कि ये शहादत की तरफ आ जाता था। अच्छा। मुझे लगता था जैसे ये शहादत की बात करेगा तो मैं नहीं सुनना चाहती। मैं कहती थी मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, तो जब लौटे गाजी लौटे। जब मैं ना हूँ तो जो मत भी हो, मगर मुझे नहीं पता था मैं अपनी जिंदगी में ये सब देखूंगी। वाला की जो लाइफ बहुत गरा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बहुत मुश्किल है ये लम्हा और मुश्किल है। सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन ना जब औलाद की बारी आती है तो जाहिर है फखर एक तरफ, लेकिन फखर एक तरफ, तकलीफ एक तरफ है, और उसको जुदाई के डिनाई नहीं किया जा सकता। पर जाहिर है जब वालिद का जवान बेटा हो और उसको लेके जाया जाए कौमी परचम में, तो आपके जिस बात जाहिर है बताने मुश्किल होंगे आपके लिए, लेकिन ये कौम जानना इसलिए चाहती है क्योंकि हम शायद उन जो आप लोगों की हिम्मत है उसको भुला बैठे हैं। सो क्या कहेंगे आप, कैसे उस वक्त जज्बात थे? वो जज्बात तो आदमी बयान नहीं कर सकता। जज्बात क्या होते हैं? मिले जुले जज्बात, एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि अल्लाह ने हमें इस नेमत से, इस मकाम से, इस ओहदे से नवाजा कि हम एक शहीद के वालिद वालदैन कहला रहे हैं। और दूसरा ये कि वो चला गया है हमारे पास से, एक वालिद के लिए ये कितना कर्ब या परेशानी का मुकाम है कि वो अपने कंधे पे अपने बेटे को उठा लिया। बल्कि मुझे तो अफसोस होता है कि मैं उसे कंधा नहीं दे सका क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कंधा देने की। बस क्या, कहाँ से आए हिम्मत? हर रोज़ जीते हैं, हर रोज़ मरते हैं। सुबह जब उठते हैं तो उसकी याद हमारे सर पर जैसे सवार हो जाती है। बड़ी मुश्किल से सारा दिन निकालते हैं, बस फिर वही सुबह शाम। बिल्कुल ऐसे ही है, वक्त गुजरता जाता है और आप वक्त को रोक नहीं सकते। अभी जिस तरह से उनकी वालदा ने कहा कि शहादत की बात किया करते थे, सो शहीदों को शायद पता होता है। उन्होंने उनको ये रुतबा मिलना है, तो आपके साथ कभी डिस्कस किया, कभी आपको कुछ कहा उन्होंने ऐसा कि आपको लगा हो कि ये शायद ऐसा कुछ होगा, या नहीं अंदाज़ा नहीं था? नहीं, अल्लाह से मैं दुआगो रहती थी कि ये जब भी लौटे गाजी लौटे। और पता नहीं क्यों कुदरती तौर पर ना
मुझे ये अंदाज़ा तो था। आपको लगता था? ये अंदाज़ा था, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये नहीं अंदाज़ा था। बहुत बहुत ज्ञान थे। हाँ ये तो एक बार उसने मुझे कहा था, एक बार सिर्फ, वो भी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं बीमार था, तो मैं अक्सर ये बात तो उसे अक्सर कहता था कि यार तुम जब ब्रिगेडियर बनोगे तो पता नहीं मैं देख सकूंगा कि नहीं। कोई ऐसी बात उनके बचपन की, उनके उनकी जवानी की, नौजवानी की, जो आपको याद हो? ख़ास तौर पे एक होता ना, जो बच्चों को शौक होता है फौज में जाने का, सो उससे रिलेटेड कोई बात आपसे कभी कहा करते थे? शरारती तो वो बेइंतहा था, जहीन था, शरारती था, बहुत था, और हर फन मौला था, भाग जाता था। अच्छा, भाग का मतलब ये नहीं कि वो कहीं दोस्तों के पास चला जाता था, मगर मैं मना करता था, दोस्तों के पास नहीं, फलां दोस्त के पास नहीं जाना, वो चला जाता था। अच्छा, मगर वो फिर आता था तो पीछे वॉशरूम से चढ़कर आ जाता। अच्छा। तो फिर बहनें जो से डरता नहीं था, बहनें जो थी ना वो उसे कहती थी कि ये क्या कर रहे हो, पापा आपको देखेंगे तो नाराज होंगे। तो वो बहनों से ये शेयर करता था कि अब तो मैं आ गया हूँ, कभी ऐसा होगा कि मैं परचम में लिपट कर आऊँगा। अच्छा, वालिद के साथ बेटों का बहुत मुनफरद सा ताल्लुक़ होता है, कुछ बहुत ज़्यादा अटैच तो होते ही हैं लेकिन बात ज़रा कम करते हैं। सो कोई ऐसी ख़ास बात जो उनकी आपको याद हो, स्पेशली शहादत से पहले, जो कोई उन्होंने आपसे कोई बात की हो, कोई दिल की बात कुछ डिस्कस किया हो? बस शहादत से पहले मैंने जैसे अभी बताया था ना कि मैं बीमार था थोड़ा सा, तो ऐसे मैंने उसे कह दिया कि यार पता नहीं मज़ीद मैं कब तक हूँ, क्योंकि अब एज के हिसाब से। वो फिर उसने मुझे कहा कि नहीं, आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं सबसे आगे हूँ महाज पे, तो मैंने कभी आपको बताया नहीं, तो इसलिए मेरा आपका क्या, मेरा नहीं कोई पता मैं किस वक्त हूँ किस वक्त नहीं हूँ। तो फिर मैंने उसे डांट दिया, मैंने कहा मेरे से ना बात किया करो ऐसी, तो वो कहता ये तो है हकीकत है, इसमें छुपाने की कौन सी कोई बात नहीं है। और बस वो मुझे अपना रोल मॉडल समझता था, कहता था आपने जितनी मेहनत हमारे साथ की है ख़ास तौर पे तालीम दिलाने में और स्टेटस वाइज कुछ और बेहतरी की तरफ स्टैंडर्ड वे ऑफ लाइफ को ले जाने में, तो इतने बहुत कम लोग करते हैं, और उसका एक ख़ास फिक्र था, वो उसने लिख के एक्नॉलेज किया था कि मैं समझता हूँ कि आप दुनिया के बेहतरीन बाप हैं। क्या बात है, और वाकई आप बहुत बेहतरीन वालिद हैं कि जिनके बेटे को इतना बड़ा मर्तबा हासिल हुआ है। जिस तरह से आपने कहा कि परचम में लिपटा आया था, और वो बहनों से कहता था कि मैं किसी वक्त परचम में लिपट कर आऊँगा, मुझसे तो नहीं कहता था, इसलिए मैं डांट देता था उसे, तो माँ से थोड़ा बहुत कहता होगा, मगर बहनों से वो खुल के बात करते, खुली होती बहन भाइयों की बात, तो उनसे कहता था, बड़े भाइयों से भी शायद ना कहता, वो भी उसे डांट देते हैं, लेकिन बहनों के साथ एक ऐसा ताल्लुक होता है ना कि आप खुल के बात कर लेते हैं। जी, बस ऐसे ही था। अच्छा, उनको उनकी सर्विस के दौरान, जिस तरह से हम कह रहे थे कि ज़र्ब अज़ब के गाजी थे, उनको यहाँ पे एक अवार्ड भी पड़ा है, कमेंडेशन अवार्ड, जो कि जनरल राहील शरीफ की तरफ से उनको स्पेसिफिकली दिया गया। ये किस हवाले से दिया गया था, कुछ इसके हवाले से? ये जनूबी बलूचिस्तान में उसकी फर्स्ट पोस्टिंग कमीशन के बाद पहली पोस्टिंग उसकी वहीं की थी। हम बींग इंसान वालिद वालदैन, हम बड़े परेशान थे। अच्छा। क्योंकि उस वक्त ज़र्ब अज़ब चल रहा था, फुल स्विंग पे था। हाँ। तो हम परेशान थे कि पहली पोस्टिंग है, ऐसे कुछ आता नहीं, इसे वहाँ भेज दिया। तो वहाँ का जो वो था ना इंचार्ज मेजर था, उसने मुझे फ़ोन किया डायरेक्ट, उसने कहा कि जी आप परेशान ना हो, हमारे यहाँ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस यूनिट में कोई शहादत नहीं हुई, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, आप फिक्र ना करें, यहाँ ठीक है सब। बहरहाल जाना था, ये चला गया। वहाँ जब गया तो वहाँ आबादी तो थी नहीं, सब आबादी तो वापस आ चुकी थी। सही।
मगर इनकी ड्यूटी ये होती थी कि कुछ ग्रुप बना देते थे, तो ग्रुप जो है ना वो वहाँ चेक करते थे कि कोई छुप कर तो नहीं बैठा हुआ। सही। तो उन लोगों को तलाश किया जाए तो जो छुप के बैठे। तो बकौल इसके कि मैं एक दिन आ रहा था दो तीन सिपाही या दो तीन साथियों के साथ, दो चार साथी होंगे, ये तादाद मुझे सही नहीं पता। तो कहता मैंने कदमों की चाप सुनी। अच्छा। तो मैंने जब उसे छुप कर देखा तो एक ग्रुप था पूरा। अच्छा। तो उनके साथ वेपन्स भी थे, तो वो जा रहे थे। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि आहिस्ता आहिस्ता इनका पीछा करना है। अच्छा। पीछा करते करते वो एक जगह पर पहुँचे, अंदर हवेली नुमा जैसे होते बहुत बड़े बड़े घर के, तो वो अंदर गए हैं हमारे सामने, हम छुप कर देख रहे हैं उन्हें, और जाकर उन्होंने अपना वेपन जो है ना एक जगह पर रखा है। अच्छा। वो बैठ गए फिर। सही। तो कहते जो ही वो बैठे हमने छापा। अच्छा। और उन्होंने सबको गिरफ्तार किया, सबको अरेस्ट किया। तो सबको उन्होंने डेरा इस्माइल खान भेज दिया। फिर उन्होंने देखा और इसे फोन पर बताया कि यार तुमने तो एक बला पकड़ ली है। अच्छा। तो फिर वो मेजर जनरल था, वो हेलीकॉप्टर में स्पेशल आया इसके पास और इसे अपने हाथ से उतार के इसके हाथ पर बांध। 6 साल की सर्विस में इसने 2-3 इस तरह के कई किए। शुरू से वो अपना पीक पे जाने लगा। ये छोटे सी बॉक्सिंग का देखिए, इसमें भी इसने जो है वो विन किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इस तरह बस वो पीक पे जाना चाहता था। नो डाउट अबाउट इट। तो यही बात के ज़ाहिर है एक एजाज़ है, लेकिन जब आप लोग सारे बैठ मिल बैठते हैं, बहन भाई उनके बाकी जो तमाम रिश्तेदार हैं, तो ज़ाहिर है एक कमी तो महसूस होती है, कमी शायद सारी ज़िंदगी रहेगी। तो ये किस तरह पर क्या उनकी क्या बातें होती हैं, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा याद किया जाता है, खाने में क्या पसंद करते थे, ऐसी कौन सी फरमाइश आपसे करते थे जिनको फिर आप लोग मिल बैठ के याद करते हैं? खाने में ये है कि खाना तो वो बस पागल हो जाता था। जब मेरे हाथ का खाना खाता था तो फिर इस तरह करके कहता था क्या बात है माँ। तो आखिर जिस तरह से वो ज़ख्मी हुए, यहाँ पर वापस आए, इलाज भी चल रहा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ अचानक कि नहीं जख्मों की ताब ना ला सके, क्या हुआ था? ज़ख्म उसका एक्चुअली भर गया था, तो उससे वो पूछता था ज़ख्म, तो ऐसे मार कर कहता था कि मैं फिट हूँ। अच्छा। तो कभी भी उसने पहले दिन जिस दिन आया उस दिन भी नहीं, हॉस्पिटल में रहा तब भी नहीं, उसने कभी शिकायत नहीं की कि मुझे पेन है या कुछ है। हालांकि क्रॉस कर गया था इस बाजू में से, वो शेल लगा था ना उसके। हाँ। बाद यहाँ से क्रॉस करके इधर आ गया था उसके। यहाँ भी ज़ाहिर है एक तकलीफ से गुजर रहे थे और एक इलाज के ऐसे प्रोसेस से गुजर रहे थे जो कि बहुत आसान नहीं होता। कहते कि इसके अंदर जो शेल जो ज़रात होते हैं ना वो बड़े, वो एटमी ज़रात वगैरह इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जाकर 18 टांके ये यहाँ ना 18 टांके लगे उसके, और हमें बिल्कुल नहीं, मेरे सामने तो सी भी नहीं करता था। तो वो वाक्या आपको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि जब उनको शेल लगा था तो वो क्या ऐसे मनाजर थे? ज़ाहिर है आपको तो एक्सप्लेन किया गया होगा कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे जो झड़प हो रही थी, फिर किस तरह से उन्होंने रिएक्शन दिया, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो झड़प हो रही थी, कहता था हमसे ना बिल्कुल सामने, मुझे अक्सर कहता था कोई 1-1.5 मील के फासले पर वो मोर्चा था जहाँ से शेलिंग हो रही थी, और मैं भी बिल्कुल फेस पे। तो कहते वो शेल आ रहे थे, हम भी कर रहे थे फायरिंग, पीछे से शेल आया, ऐसे क्रॉस किया उसने। अच्छा। और पीछे किसी दरवाजे को लगा। ओके। और फिर रिवर्स उसने किया, फिर आया इधर, फिर वो शेल लगाया, फिर उसके बाद वो गिर गया, मगर उसके साथ कहते हैं कि वो फिर भी फायरिंग करता रहा, काफ़ी खून जाया। जब तक वो चौकी खामोश ना हो गई सामने जिस पर फायरिंग कर रहा था, तब तक वो उसने कहा मुझे ना लेकर जाओ। चौकी सामने से खामोश हो गई, फिर इसे उठा कर लेके गए। पहले वो एक ये भिम्बर आता है जगह, एक छोटा बड़ा कस्बा जो है,
उन्होंने उसको प्राइमरी मेडिकल फर्स्ट एड दी, हाँ फर्स्ट एड दी। उसके बाद उसे खारियाँ ले गए, खारियाँ एक हफ्ता वो एडमिट रहा मगर उसने हमें नहीं बताया। उसके बाद फिर जब उन्होंने इसे डिस्चार्ज किया फिर ये निकला है टैक्सी लेकर या दोस्त के साथ गाड़ी पर, फिर घर आया है। घर आकर तब भी नहीं इसने बताया, बड़े भाई को कॉल किया उसने, बड़ा भाई घर आया, उसको बताया कि मैं ना इस तरह हो गया और अब्बू मम्मी को आप बताएं मैं नहीं बताऊंगा। तो वो फिर उसने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता उसने हमें ज़हनी तौर पर तैयार किया और बताया। मैंने उसे देखा कि ये क्या है, मैंने शायद ऐसे गिर गया है कोई डीप क्रैक हो गई, तो असल में ये मसला था। वो फिर सुराख इतना बड़ा था वो फिल हो गया, हील अप हो गया, मगर बस उसके बावजूद वो अभी भी मस्जिद के जो साथी हैं ना उनमें एक साहब हैं वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, अभी भी वो जाते हैं, दो साल हो गए उसकी कब्र पर जाते हैं और फ्लैग चेंज करके आते हैं, नया फ्लैग। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और वाकई अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने वतन के दिफा के लिए जो शहादत का जज्बा है ये कोई छोटा जज्बा नहीं है, बहुत हिम्मत चाहिए आप जैसे वालिदैन होने के लिए। अभी भी मैं जब अल्लाह से दुआ करता हूँ तो अल्लाह से दुआ के साथ में ये कहता हूँ अल्लाह उसने रातें जाग जाग कर अपने मुल्क और कौम की खातिर चौकीदारी की है, तो अल्लाह उस चीज़ के बदले उसे बहुत बड़ा मुकाम दे। वो बेटा जब कभी कभी मैं उससे इस मौजू पर डिस्कस करता था कि इतना बड़ा, तो वो एक शेर पढ़ा करता था, सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक सिमत, हम लोग अभी जिंदा और बेदार खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इस मुल्क के लिए आप वालिदैन दोनों उस क्या मैसेज देंगे इस मुल्क को, इस कौम को और उन तमाम लोगों को जो आपको सुन रहे हैं? ये मुल्क है तो हम हैं, हमारी इज्जतें हैं, हमारी नामूस है, और अगर ये मुल्क ना होता तो कुछ भी ना होता। आपने हाफिज़ शहीद कैप्टन काशान अली नवीद के वालिदैन की गुफ्तगू सुनी, और ये गुफ्तगू सुन के यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि बहुत मुश्किल है अपने बेटों को शहादत जैसे रुतबे पर देखना और उस पर फ़ख्र करना, और फ़ख्र करने के साथ साथ वो जो गम एक तकलीफ़ है उसको बर्दाश्त करना, लेकिन ये वो वालिदैन इस अज़्म व हिम्मत की मिसाल है कि न सिर्फ इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं, इस गम को बर्दाश्त करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि अगर हमारे पास और बेटे होते तो हम उनको भी फ़ौज में जाने देते, इस मुल्क के लिए कुर्बान कर देते। और ये बहुत बड़ा जज्बा है, ये कहना बहुत आसान है लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, और जब इनकी आंसू बहते हैं तो यहाँ उनसे बात करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन आई एम श्योर कि ये तमाम तर बातें सुनने के बाद हम इस बात का ज़रूर एहसास करेंगे कि ये वतन हमारा है और हमने इसका बहुत ख्याल रखना है, हमने अपनी पाक फ़ौज को खराज तहसीन ऐसे ही पेश करते रहना है जैसे हम आज करते हैं, हमने उनसे मोहब्बत का इजहार भी ऐसे ही करते रहना है, क्योंकि इस वतन की हिफाजत के लिए हमारी ये फ़ौज जिस तरह से कुर्बानियाँ दे रही है वो शायद कोई और नहीं कर सकता, हमें इस चीज़ को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। मुझे अंबर कुरैशी को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।